फ्लोर मिल्स मालिकान की गरीब के नवाले पर नजरें, रोटी का हसूल भी मुश्किल बना दिया, आटा की कीमत फिर बढ़ा दी। 10 किलो आटे का थैला 90 रुपए तक महंगा, 20 किलो आटे का थैला 1520 से 1700 रुपए का हो गया। मिल्स मालिकान ने मलबा गंदम महंगी होने पर डाल दिया। तनूर मालिकान भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए पर तोड़ने लगे, खुद साख्ता रेट तय करने का इंदिया दे दिया, कहा सब्सिडी दी जा रही है ना ही नई कीमत, हुकूमत रोटी की नई कीमत मुकर्रर करे। बीस रुपए फी केजी के हिसाब से बढ़ी है, जो कि रोटी की कास्ट पे कम से कम भी 1.5 रुपया इजाफी चार्ज हो चुका है। अब यहाँ पे रोटी को पॉसिबल नहीं है कि 13 रुपए की हम सरकारी नक्श पे बेच सके, हुकूमत वक्त को नोटिस लेना चाहिए या सब्सिडी देनी चाहिए। महंगा आटा गरीब के साथ तंदूर मालिकान के नाक में भी दम करने लगा। जंग और टोबा वाले भी महंगे आटे की जद में आ गए। 10 किलो आटे का थैला 780 रुपए तक फरोख, 13 रुपए में रोटी बेचना मुमकिन नहीं, तंदूर मालिकान बोले कारीगर की तनख्वाह और गैस के अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत किसानों के साथ फिर हाथ करने पर तुल गई। टोबा टेक्सिंग में गन्ने की क्रशिंग का सीजन शुरू होने के करीब कीमत मुकर्रर ना हो सकी, एमपी अमजद अली जावेद हुकूमत से नाला, पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तवा पेश कर दी। जुराइम पर काबू पाने के लिए फैसलाबाद समेत पंजाब पुलिस में अखाड़ बिछा, 28 डीएसपी के तबादले, जियो स्पेशल ब्रांच मोहम्मद आसिफ ऑर्गेनाइज क्राइम साहिबाल तायुनात, डीएसपी मंसूर बिलाल चीमा को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल ब्रांच फैसलाबाद लगा दिया गया, डीएसपी लीगल 2 शहजाद हलियाना, सीसीपीओ ऑफिस लाहौर तब्दील, लाहौर से ज्यारत खान को डीएसपी लीगल 2 को फैसलाबाद लगा दिया गया। एफडीए ने गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज के खिलाफ कमर कस ली, फैसलाबाद में तजावजात और गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन के खिलाफ कार्रवाइयां, मुतअद्दिद पुख्ता और आर्जी तजावजात हटा दी गई, 2 गैर कानूनी कॉलोनीज की गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई। शंघाई तावन तंजीम के इजलास में रखना डालने वालों के खिलाफ एक्शन होगा, एससीओ को सबोताज नहीं होने देंगे, तलाल चौधरी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया तो मजम्मत नहीं मुरम्मत करेंगे, कोई सियासी जमात मुल्की मफाद के खिलाफ ऐसी हरकत नहीं करती, सीपैक को सोची समझी साजिश के तहत नुकसान पहुंचाया और आईएमएफ को खत भी जान बूझ कर लिखे गए, मौलाना फजल रहमान को पीटीआई से मुतालिक सख्त मौकफ अपनाना होगा। खुली कचहरियां फैसल आबादियों के लिए मरहम बनने लगी, विफाकी वजीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद शेख की खुली कचहरी, अफसरान की मौजूदगी में शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए, विफाकी वजीर बरहम अफसरान की कारकर्दगी और रवैयों से नाला, कहते हैं शहरी छोटे छोटे मसाइल के लिए फार हो रहे हैं, अफसरान सारा सारा दिन मीटिंग में पता नहीं क्या करते हैं, विफाकी वजीर का मसाइल के फौरी हल का हुक्म। फैसलाबाद और जंग शहर पर खूनी मच्छर के साए मंडलाने लगे, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में डेंगू के 4 मरीज दाखिल, फैसलाबाद में भी डेंगू का 1 मरीज रिपोर्ट। फैसलाबाद के स्कूल्स में एंटी डेंगू सरगर्मियों का हदफ, स्कूल्स में कच्ची जगहों को टफ टाल या घास से कवर करने का हुक्म, एहतजाजी असाजा के खिलाफ एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, स्कूल्स में मियावकी जंगल लगाने की तस्वीर जमा कराना होगी। असाजा हुकूमती कार्रवाइयों के खिलाफ डट गए, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान, सूबाई सदर पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन चौधरी सफदर कहते हैं हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों से घबराने वाले नहीं। फैसलाबादी बीमारियों के रहमो करम पर, साफ पानी सिवरेज ड्रेनेज स्कीमों पर काम शुरू ना हो सका, गंदा पानी पीने से बीमारियां बढ़ने लगी, सिविल इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिस्पोजल सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए 4,80,00,000 जारी मगर काम सुस्त रवि का शिकार, रिसालियां वाला का डिशकोट में सिवरेज बहाले का 31 करोड़ का मंसूबा एनओसी ना मिलने की वजह से शुरू ना हुआ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी को तफसीलात अरसाल।
जड़ावाला में लाहौर रोड का मरकजी कब्रिस्तान नदी का मंजर पेश करने लगा। सिवरेज के पानी के बायस लाहौर रोड बंद, वन वे रोड पर ट्रैफिक हादसात का सबब बनने लगी। रिश के बायस सिंगल रोड से गुजरना मुहाल। जड़ावाला से फैसलाबाद रोड की तामीर नो होगी। सैनेटर तलाल चौधरी ने सड़क की तामीर नो का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं वजीर आला मरियम नवाज ने 2 अरब का खतीर फंड दिया। वर्ल्ड बैंक के तआवुन से शहर के तरक्याती कामों का आगाज किया जाएगा। तोबा टेक सिंह को एक और इंटरचेंज मिल गई। हल्का एन 106 में मौरूसीपुर पर मोटरवे इंटरचेंज की मंजूरी। एमएनए जुनेद अनवर कहते हैं कि पाकिस्तान का पहला हल्का है जहां 4 मोटरवे इंटरचेंज दी गई हैं। चेयरमैन इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग वजीर आला ऑफिस ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन का तौबा टेक सिंह का दौरा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम और डीपीओ इबादत निसार ने खुश आमदीद कहा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन की जेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अहम इजलास। जिले इंतजामिया के अफसरान की शिरकत। बाबर अलाउद्दीन ने कहा ज़राअत हेल्थ एजुकेशन सर्विसेज के मयार पर कड़ी नजर है। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खातीन कमालिया की तालिबात को मिल गई सफरी सहूलियात। तालिबात को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ्राहम करने के लिए नई बस फ्राहम कर दी गई। नई बस की बदौलत 20 से ज्यादा देहात की तालिबात मुस्तफीद होंगी। अब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में होगा दिल के मरीजों का इलाज। कैथ लैब के क्याम से मरीजों को बेहतर सहूलियात मिलेगी। डॉक्टर इर्तजा शाह का कहना था निगरान वजीर आला का वादा, मरियम नवाज ने वफा कर दिया। नौ मंतखब चेयरमैन अपमा इमरान महमूद शेख ने चार्ज संभाल लिया। नौ मंतखब चेयरमैन की जेर सदारत पहला इजलास। एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने इंडस्ट्री के मसाइल पर गुफ्तगू की। जिले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग और साबिक मेंबर ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन कमेटी चिडियो शेख मोहम्मद इकबाल के साहबजादे डॉक्टर जावेद इकबाल की दावत वलीमा। विफाक के वजीर बहरी अमूर कैसर अहमद शेख, एमपी इलियास सीनियोरिटी सदर लेबर विंग पंजाब सैयद मुश्ताक हुसैन शाह, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA अबू बकर उस्मान भट्टी, DSP टेली कम्युनिकेशन सरगोधा नवीद मुर्तजा चीमा, जनरल सेक्रेटरी सजाद अहमद, मारूफ बिजनेसमैन मसूद इकबाल चौधरी, मेंबर पंजाब बार काउंसिल मलिक गुलाम अब्बास नसवाना समेत शहर भर की सियासी समाजी कारोबारी और वकला की शिरकत। नौ बहाते जोड़े को मुबारकबाद दी गई। फैसलाबाद लायंस क्लब खिदमत का मरकज बन गया। फलाही कामों में पेश 35 मुस्तहिक बच्चियों में जहेज का सामान तकसीम किया गया। डॉक्टर अमार शेख ने कहा मुस्तहिक खानदानों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। शेख खालिद और मोहम्मद यूसुफ ने कहा खिदमत खल का दायरा मजीद वसी कर रहे हैं। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जंग में शजरकारी मुहिम। रीजनल डायरेक्टर हसान उबैद और दीगर ने पौधे लगाए। यूनिवर्सिटी में जेर तालीम तलबा भी पौधे लगाकर मुहिम का कामयाब बनाने के लिए पुरस्त। और फैसलाबाद में DPS कॉलेज एंड इंटर कॉलेज फुटसॉल चैंपियनशिप बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के जरिए तमाम मैचेस जारी। फैसलाबाद इवेंट के 12 कॉलेजेस की टीमें हिस्सा ले रही हैं।